Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे टमाटर कॉकर कैसे बना सकते हैं टमेटोज विद चिकन। टमाटर और चिकन हर घर में बनता है कश्मीर के और ये बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट इसमें कैसे ला सकते हैं। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमने यहाँ पे चिकन लिया है कॉकर 1.5 kg 1.5 kilo। हमने सिर्फ लेग पीसेस ली हैं, आप पूरा चिकन ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है टमेटो प्यूरे 1 kg। हमने टमाटर 7 से 8 लिए थे, उनका प्यूरे बना है तकरीबन ही 1 kg है। फिर बाकी स्पाइसेस है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, मर्चवांगन, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, लेदर, जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, शोंठ, सॉल्ट, नमक, नून, फेनल सीड पाउडर, सौंफ का पाउडर, बेदियान, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दगित रोहन तो अदरक, आप सिर्फ गार्लिक भी ले सकते हैं, गरम मसाला पाउडर। फिर हमने यूज़ किया इसमें क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा, ज़ुर, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया, दानवल। फिर टमाटो केचप हमने लिया है और इससे आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट इसमें आएगा, ट्रस्ट मी, आप ये यूज़ करिए और फिर डिफरेंस देखिए। फिर हमने इसमें यूज़ किया है ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची, सबसल, क्लोज, लौंग, रोंग, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, बुडल, और हमने मस्टर्ड ऑयल या कसूरी तेल में इसको कुक किया है। तो क्योंकि क्विक इजी रेसिपी है इसलिए हम चिकन को डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं पहले मस्टर्ड ऑयल में। अगर आप चाहते हैं तो आप एक उबाल ला के वो फेंक सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत क्विकली बन जाता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जब तेल पूरा गर्म हो चुका है उसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेज ऐड करेंगे जब तक वो पूरे फ्राई हो जाएँ गोल्डन ब्राउन ऑन ईच साइड। फिर आप इनको रिमूव करेंगे, मेक श्योर कि आप चिकन को जलाएं ना, इनको हमें गोल्डन ब्राउन सिर्फ करना है हर तरफ से। तो इसी तरीके से हम सारा चिकन फ्राई करेंगे ऑल द पीसेस। फिर आप एक पैन लेंगे, प्रेफरेबली नॉन स्टिक पैन, ताकि उसमें टमेटो स्टिक ना करे। फिर इसी एक्स्ट्रा ऑयल में से ऑयल डाल देंगे जितना आपको करी में चाहिए, और जब ये गर्म हो तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स का, ज़ीरा का, फिर सिनेमन स्टिक्स 1 से 2, दालचीनी, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3 से 4, फिर लौंग जाएगा इसमें 1 से 2। हल्का सा आप इनको फ्राई करेंगे स्पाइसेस को, और उसके बाद आप टमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे इसमें। तो इसको आप हल्का सा स्टर करते जाएंगे, और फिर आप इसको लिड से भी कवर कर सकते हैं ताकि जो छींटे हैं वो बाहर ना आए। तो आपको फिर ओकेजनली ओपन करना है इसको, हल्का सा मिक्स करना है। फिर हम कुछ टाइम के बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए आप ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है टमेटो प्यूरी। टमेटो फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से टमाटर फ्राई करेंगे तो आपकी करी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अंडर फ्राइड या अंडर कुक टमेटोज का बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप नॉन स्टिक पैन लेंगे प्रेफरेबली, ताकि ये उस पर स्टिक ना करें। ये आप देख सकते हैं ये रिड्यूस हो चुके हैं काफ़ी साइज़ में, यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। आप देखिए तेल हर तरफ से रिलीज़ हो चुका है और ये बहुत कॉम्पैक्ट हो चुके हैं पहले से। ये देखिए अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले इसमें डाल रहे हैं हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप प्लेन गार्लिक भी ले सकते हैं, हमने डाल दिया है 1.5 चम्मच। फिर लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। फिर डाल रहे हैं हम जिंजर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, टर्मरिक पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी, फिर जाएगा इसमें फेनल सीड, सौंफ का पाउडर या बेदियान 1 चम्मच। फिर टमेटो केचप का आपको इस स्टेज पे ऐड करना है, ये तकरीबन 1 छोटी चम्मच डाल जाएगा। आप ये पहले ट्राई कीजिएगा और फिर आप डिफरेंस देखिएगा टेस्ट में। ये बिल्कुल खट्टा नहीं बनता है, ये जो अच्छी खटास होती है टमेटोज़ की इसको वो आ जाती है इससे, और आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है अपनी करी में। तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, हर टाइम आप ऐड कर सकते हैं ये टमेटोज़ में। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी, ताकि ये टमेटोज़ मिक्स हो जाए, टमाटर मिक्स हो जाए चिकन के साथ और फ्लेवर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब जाके हम डाल देंगे इसमें और पानी, और ये अब रिड्यूस करना है ये वाटर जो हमने इसमें डाल दिया है, ताकि चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और टमेटोज़ भी कुक हो जाए। आप ये लिड कवर करके रखेंगे जब तक ना ये रिड्यूस हो जाए टमेटो,
और आपका चिकन सॉफ्ट हो जाए। फिर एंड पे ये दिस इज़ द ट्रिक फ्रॉम द वाजा, इसमें आप क्यूमिन ये करेंगे, फिर से ज़ीरा ऊपर से डाल देंगे हल्का सा, और गरम मसाला आधी छोटी चम्मच तक। ये वाजा की स्पेशल ट्रिक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके टमेटोज में, टमाटर में। और एंड पे आप इसको गार्निश करेंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स से, दानवल से। तो ये आप ये रेसिपी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर डिफरेंस देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा आपको, और हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड विजन पे।